जीवन में ऊंचाइयां छूने के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है और शरीर स्वस्थ तभी होगा जब उसे पौष्टिक भोजन मिलेगा। भोजन स्वादिष्ट, स्वच्छ और स्वस्थ के लिए हितकर बने इसके लिए रसोई घर का वास्तु अनुसार होना अति आवश्यक है। हमारे साथ है माँ गुरु गौरव मित्तल जी, जो हमें बताएंगे रसोई घर वास्तु के अनुसार कहाँ होना चाहिए। नुपुर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज जो रसोई घर है वो घर का एक अभिन्न अंग है। यदि रसोई घर की डायरेक्शन अच्छी है तो घर में सुख समृद्धि शांति बनी रह सकती है। यदि वास्तु नहीं सही है तो घर के अंदर किले हेल्थ की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो जो किचन है वो साउथ ईस्ट जोन में होनी चाहिए। साउथ ईस्ट जोन जो अग्नेय कोण भी कहलाता है, इसमें किचन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फायर की डायरेक्शन, जल की डायरेक्शन। जल की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ, फायर की डायरेक्शन ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ। तो जो चूल्हा है किचन का वो साउथ ईस्ट जोन की तरफ हो, फोकस हमारा ऑरेंज कलर पर, वाइट कलर के बेस पर या क्रीमी कलर पे होना चाहिए। सिंक, बर्तन धोने की सिंक है वो नॉर्थ वेस्ट, बर्तन की जो सिंक है वो नॉर्थ की तरफ हो, और जो हम कूड़ा रखे हैं वो नॉर्थ वेस्ट जोन में रखें। किचन के साउथ वेस्ट जोन के अंदर हमें अनाज और जो हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे अन्न का है, दालें हैं, ये हमें साउथ वेस्ट जोन की तरफ रखनी चाहिए। और जो किचन में बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं, किचन में माइक्रोवेव होता है, फ्रिज होता है, इन सब का क्या डायरेक्शन होना चाहिए वास्तु के? तो वास्तु के हिसाब से जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जो फायर को डिनोट करते हैं, उनकी सबकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट ईस्ट जोन की तरफ होनी चाहिए। फ्रिज हमारा नॉर्थ वेस्ट जोन में हो सकता है, वेस्ट जोन की तरफ भी हो सकता है। जितने भी एयर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके लिए डायरेक्शन विद इन साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट जोन, किचन के नॉर्थ वेस्ट जोन में फ्रिज रखना पॉसिबल है। इसी तरह से साउथ ईस्ट जोन में होने के बाद भी किचन नॉर्थ की तरफ, पानी की सिंक, गंदी वस्तुओं का, कूड़े का नॉर्थ वेस्ट जोन में, वेस्ट साइड पर हमारा ब्लैक कलर का डिनोशन स्टॉपिंग लगाना, ये हमारे लिए शुभकारी रहता है। कहते हैं अगर जो किचन है वो अगर वास्तु के हिसाब से ना बना हो तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो किचन यदि हमारा वास्तु के हिसाब से, जोन के हिसाब से कंप्लाई नहीं है, वो स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करता है। जैसे अब अगर किचन हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन में है तो घर में जो लेडीज़ या फीमेल्स किचन में काम करती हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। हेल्थ ख़राब होनी शुरू होगी, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैरों में तकलीफ़ें, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट जोन जोन ऑफ गुरु है, गुरु का रख है हेल्थ के, मैरिड लाइफ के और वेल्थ के, ये तीनों चीज़ें इम्पेक्ट होती हैं। इसी तरीके से यदि किचन नॉर्थ वेस्ट जोन में है तो उसके वेस्ट जोन के स्वामी हैं शनि और नॉर्थ के स्वामी हैं चंद्रमा, तो मन के अंदर डिफरेंट तरीके की फीलिंग्स, डिफरेंट तरीके के आपके नेगेटिव थॉट्स, आपको लो फील होना, इस तरीके की समस्याएं शुरू होने शुरू जाती हैं। आप देखें कि घर की फीमेल्स का जो काफ़ी समय है वो किचन में जाता है, और यदि ये डायरेक्शंस किचन की हमारी नहीं सही हैं तो हमें इन स्वास्थ्य संबंधी, पैसे से रिलेटेड और आपसी संबंधों से रिलेटेड सारी समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। और किचन का एक सबसे मेन भाग होता है चूल्हा, तो चूल्हे की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? जैसे मैंने अभी बताया था कि चूल्हा जो अग्नि कोण है, अग्नि चूल्हा अग्नि को डिनोट करता है, तो ईस्ट डायरेक्शन या साउथ ईस्ट डायरेक्शन विद इन साउथ ईस्ट जोन इज इम्पॉर्टेंट। तो ये थे कुछ टिप्स महागुरु गौरव जी द्वारा, जिससे आप अपने जिंदगी को सुख समृद्ध बना सकते हैं।